हेलो फ्रेंड, माय नेम इज रंजना और आप सभी को मैरी क्रिसमस। और इस वीडियो का सेकंड पार्ट है और सिक्स रिग्रेट ऑफ लाइफ। अक्सर लोग इस टाइप का रिग्रेट रह जाता है, जब वो मृत्यु के कगार पे जाते हैं तो अक्सर इस टाइप की वो अपनी बातों को शेयर करते हैं कि काश मुझे एक बड़ा इंसान होना चाहिए था। और बड़ा इंसान का मतलब कि सोच से बड़ा होना चाहिए था। अक्सर मैं ये सोचता था कि मैं इस काम को करूँगा तो मैं नहीं कर पाऊँगा, और अक्सर इसी सोच में मैं अपने सभी कन्फ्लिक्ट को अपने साथ ही रख लिया और मैं अपने इसी दुविधा में रह गया कि मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊँगा। यह छठी टाइप का रिग्रेट होता है। और नेक्स्ट रिग्रेट की बात करें, सेवेंथ टाइप ऑफ रिग्रेट ऑफ लाइफ, बहुत लोग अक्सर सोचते हैं कि काश मेरे पास भी बच्चे होते तो मैं इस रिटायरमेंट के समय पे उनके साथ होता तो मैं अपना जीवन अच्छे से काट पाता। और एट टाइप का जो रिग्रेट है कि बहुत लोग अपने जीवन में बहुत से पैसे कमाते हैं, बहुत बड़े आदमी भी बन जाते हैं, पर अंत में वो अपने लिए कुछ भी सेविंग नहीं बचाते हैं। और वो सोचते हैं काश मैंने लास्ट समय में, ये सोचते हैं काश मैंने पैसे कुछ सेविंग कर लिए होते तो आज मुझे प्रॉब्लम ना होता। और आज कल के बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं रिटायरमेंट के समय में, काश मैंने उस पैसे को सेव किया रहता तो मैं अपने खुद के बल पे जी पाता और किसी का सहारा ढूंढने की ज़रूरत ना होती। नौवीं टाइप का जो रिग्रेट है कि लोगों को यह रह जाता है कि काश मेरे पास साहस होता, जीवन को जीने के लिए साहस होता तो मैं अपने आई नॉट हैविंग अ करेज टू लिव ट्रूथली। बहुत से लोग सोचते हैं कि वो अपने जैसा जीना चाहते हैं वो नहीं जी पाते क्योंकि उनके अंदर ऐसा लगता है कि उनके पास साहस नहीं है, वो ये काम नहीं कर पाएंगे। और अपने साहस की कमी की वजह से वो अपने पूरे जीवन ये सोचते हैं कि मैं इस काम के लिए नहीं बना हूँ, मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊँगा। और इससे लोग अक्सर इस टाइप की बात करते हैं। और मैं इस मैरी क्रिसमस के उपलक्ष्य पे कहूँगी कि आप सभी अपने आप पे विश्वास बनाए रखें। और तीन टाइप का जो रिग्रेट है, अक्सर जो मृत्यु के सैया पर लोग जाके बोलते हैं कि काश मैं बहुत सारे जिंदगी में प्रॉब्लम आए, मैं बहुत बार डिप्रेस हो गया तो अक्सर मैं ये सोचा करता था कि शायद जो भगवान है मुझे दुख ही देने के लिए पैदा किया है। बट एक चीज़ उनके जो राइटर है, जो लेखिका है, उन्होंने दसवीं टाइप का जो रिग्रेट बताया कि उन्होंने इसमें समझाया है कि हैप्पीनेस तो हमेशा एक चॉइस रहती है। हैप्पीनेस इज ऑलवेज चॉइस, आई हैव टू न्यू इज अर्लियर। लोग जो मृत्यु के कगार पे पहुँचे थे, उन्होंने लेखिका ने पूछा तो उन्होंने पाया कि लोग को बाद में पता चला, उन्होंने बताया कि खुशी तो हमेशा ही एक विकल्प है, काश मैं ये पहले जान जाता। और आप सभी को मैं इस मैरी क्रिसमस पे चाहूँगी कि आप हर परिस्थिति में हैप्पीनेस को एक चॉइस की तरह लीजिए और दुख में भी सुख ढूंढने की कोशिश करें। वैसे तो दुख में सुख ढूंढना काफ़ी मुश्किल होता है, पर ये सोचिए कि दुख भी एक हमारा जीवन का पार्ट है और हम उसे भी हंसी और उसे बिता लेंगे। और आप सभी को होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो वाकई अच्छा है तो एक लाइक तो बनता ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अगेन आप सभी को मैरी क्रिसमस।